जनाब ये बिल्कुल मेन रोड पे हमारी साइकिलें, मेरी मर्सिडीज़ और ये फॉर्चूनर, वो लैंड क्रूजर तीनों खड़ी है। भाई क्या ऐसा हालत है, नहीं एक तो बेचारा लंगड़ा ऊपर से भारी है, पैसे ही पैसे है भाई, अभी मैं गरीब नहीं है, अमीर हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अरे तो कैसे डक्की भाई वाली ये बच्चों ने मेरे को डक्की भाई से पूछा है कि उसकी नकल कर अपनी अपनी कार के नीचे ये बताओ ना। जनाब तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि अभी साबिर बोल रहे हैं, मेरा नाम है कामरान जमाली, पर मेरा कामरान जमाली भाई नाम नहीं है। मैं नहीं हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं हूँ कामरान जमाली, मेरा नाम है वज़ीर अहमद जोखियो और ये है साबिर भाई और हमारा मिस्टर मूसा खान गया हुआ अंदर एटीएम के, उसको पैसे निकलवाने हैं। कल का पता नहीं है, ईद हो जाए कि नहीं, उसकी सैलरी आई हुई है तो उसको अभी तक उसने पैसे नहीं निकलवाए हैं और अभी गया हुआ एटीएम में, अभी तक तो कुछ पता नहीं है, सामने गया हुआ है। और आज की तफरी आपके साथ शेयर करेंगे, आधे रास्ते से हम लोग आ रहे थे तो मैंने वीडियो यार बनाई नहीं वहाँ पे, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अरे एटीएम के अंदर परिवार निकला है, खुशहाल परिवार। मूसा भी गया, देखो अंदर चला गया। एक मिनट है, उसको चलाना आएगा या नहीं मैं जाके देख के। हाँ हाँ तो जाओ जाओ, मैं तब तक ब्लॉग शुरू अपना करता हूँ। तो जनाब ये बिल्कुल मेन रोड पे हमारी साइकिलें, मेरी मर्सिडीज़ और ये फॉर्चूनर, वो लैंड क्रूज़र तीनों खड़ी हैं। आ गया साबिर, क्या हुआ भाई? तो चलाना आती है बोला। अच्छा आती है इसको एटीएम चलाना आती है, बड़ी बात है। तो अभी हम लोग भाई मेन रोड के फुटपाथ पे बैठे हैं और भाई ये यहाँ का व्यू है, मेन ट्रक अड्डा पे हम लोग बैठे हुए हैं और ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि भिखारी। जैसे याद होगा साबिर, मैं लंगड़ा था, मस्जिद के आगे बैठा था, वो गेट के पीछे, गेट के पीछे। मैंने देखा भाई ये तो अपना वजीर भाई है, मैंने तो भिखारी समझा था तुम्हें। तो असल में मसला वो ये था, वो भाई क्या सीन था ऐसे देखना था भाई का ऐसा हालत। अच्छा नहीं, एक तो बेचारा लंगड़ा, ऊपर से बारिश है, ऊपर से रोडों में पानी, बेचारा करे तो क्या करे, एक तो दर्द, ऊपर से गाड़ियाँ नहीं, पैदल वहाँ से आए थे हालत बुरी हो गई थी भाई। मेरे पाँव में चोट लगी थी, कुत्ता है, मेरे पाँव में चोट लगी थी और अल्लाह आपका भला करे, मेरे लंगड़ा था और अगले दिन बारिश हो गई, अगले दिन बारिश हो गई और क्या हो, तो बारिश हो गई तो भाई भाई मूसा भाई आ गया। अरे आ गया मूसा आ गया। आपको हम अपनी कहानी बताते हैं, एक मिनट वो आ रहे हैं, देखो बोले हमारे सिंधी में अच्छे पियो अच्छे रणुकार। तो भाई वो लंगड़ा था और बारिश हो गई, इतना पानी था तकरीबन यहाँ तक पानी आ रहा था बंदों को, यहाँ तक ऊपर नीचे हो रहा था और मैं लंगड़ा और गाड़ियाँ भी नहीं, हमारे पास अपनी जाती सवारी नहीं थी, साइकिलें वाइकिलें नहीं थी। हो गया भाई ने देख, बात हो गई, कड़क नोट है भाई, तो भाई ये 1000 रुपये निकालेंगे। वाह है पैसे ही पैसे हैं भाई, अभी मैं गरीब नहीं है, अमीर हो गया। नहीं तो वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से, जल्दी करो। तो भाई अभी साबिर को नमाज़ पे भी जाना है तो वहाँ से हम लोग आ रहे थे, हमारी अपनी जाती सवारी भी नहीं थी और अल्लाह आपका भला करे तो हम लोग पैदल ही पैदल पूरा इलाके तक गए हैं। अजानें शुरू हो गई, चलो भाई आगे ही बात करेंगे, अभी अजान हो रही है, चलते हैं घर पर साइकिल को। पहुंच गए अपनी थार होटल पे, ये देखो यहाँ का व्यू थोड़ा सा ऐसा है और मूसा भाई लाइटें वाइटें लगी हुई हैं और मूसा भाई मेरे साथ है। साबिर तो टापो टाप गया है, उसको भी नमाज के लिए लेट हो रहा था। और आपको भाई ये यहाँ का थोड़ा सा व्यू है, रात का व्यू है भाई हमारे एरिया का, अभी थक थक के आए हैं भाई और हालत टाइट हो गई है। तो बस भाई आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए
और अगर कल ईद हो गई तो आप सबको एडवांस ईद मुबारक, नहीं हुई तो फिर परसों ईद मुबारक। और ईद के दिन मिलेंगे इंशाल्लाह, एक लंबे सफ़र पे जाएंगे और वहीं पर ही बातचीत होगी हम अपनी, तो देखो आगे क्या होता है। बस जुड़े रहिए चैनल के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।